हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुजय इन्फोटेक में। मैं हूं सुजय और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने YouTube चैनल के वीडियोज में मिड रोल ऐड की सेटिंग्स करके अपनी YouTube कमाई को कैसे बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि YouTube से कमाई कब होती है, जब हमारे वीडियोज़ पर प्रचार चलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, यदि आपके चैनल पर 8 मिनट से अधिक के वीडियो है तो आप अपने उस वीडियो में मिड रोल ऐड की सेटिंग्स करके अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट मिलती रहे। चलिए जानते हैं अपने YouTube की वीडियोज में मिड रोल ऐड की सेटिंग्स कर अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल में लॉग इन हो जाना है, जैसा कि हम यहाँ आ गए हैं अपने चैनल पर। उसके पहले आपको बता दें कि यूट्यूब की ओर से हाल ही में यानी कि 7 जुलाई को एक अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है कि मिड रोल ऐड की सेटिंग अब आप 8 मिनट से अधिक के वीडियोज में कर सकते हैं। हालांकि पहले यह 10 मिनट के वीडियोज में अवेलेबल था, लेकिन अब इसे 2 मिनट कम करके अब 8 मिनट में कर दिया गया है। और YouTube की ओर से एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दी गई है जो कि आपको मोनेटाइज सेक्शन में मिल जाएगा। यदि आप यहां से मिड रोल ऐड के सेटिंग्स करते हैं तो यूट्यूब लर्निंग सिस्टम जो है यानी कि यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिक आपकी वीडियोज़ में या जो मिड रोल ऐड की सेटिंग्स है वो इनेबल कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका 8 मिनट का वीडियो है तो उसमें अधिक से अधिक 1, 2 या 3 ऐड ही चलेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके चैनल पर 8 मिनट के वीडियो है या 8 मिनट से अधिक के वीडियो है तो आप उसमें 1-1 मिनट पर कैसे ऐड लगा सकते हैं, यानी कि पहला मिनट पर आपका पहला प्रचार चले, दूसरा मिनट पर दूसरा प्रचार। इस तरह से अगर आपका 8 मिनट का वीडियो है तो 8 प्रचार चलेंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारी कमाई प्रचार से ही होती है, तो हम जितना चाहे उतना प्रचार ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के लंबाई के अनुसार और हमारी कमाई उतना ही होगी। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब की ओर से मैन्युअली करना तो सिंपल आप इस एक्शन बटन पर क्लिक करें और यहाँ आपको ओपन प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और नीचे आपको एक टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, आई वांट टू इंक्रीज मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस। और सिंपल अगर आप इसे सेव कर देते हैं तो यूट्यूब की ओर से यह बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है, जिसमें आपको केवल 2 से 3 प्रचार चलेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप मैन्युअली 8 मिनट की वीडियो में 8 प्रचार कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने वीडियो सेक्शन में, जैसा कि हम यहाँ से वीडियो वाली सेक्शन पर क्लिक किए, फिलहाल ये ओपन हो रहा है, थोड़ा देर हम वेट करते हैं। हमारे नेट स्पीड बहुत ही स्लो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 kbps की यहाँ स्पीड आ रही है। तो हमारे सामने लगभग हमारे जो भी वीडियोज़ हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर वो सभी वीडियोज़ शो होने वाली है। तो सिंपल आपको यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपकी वीडियो 8 मिनट से अधिक का हो। तो आप देख सकते हैं यह मेरा एक वीडियो है जो कि 11:33 मिनट का है, तो हम इसमें ही मिड रोल ऐड के सेटिंग्स करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको इस मोनेटाइजेशन वाली ऑप्शन पर यानी कि आइकन इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यह वीडियो के जो हमने मोनेटाइजेशन वाली आइकन पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हुए। सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर मैनेज मिड रोल्स, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है मैनेज मिड रोल्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके वीडियोज़ दिखाए जाएंगे। फिलहाल ये लोड ले रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एड ब्रेक का। तो आप देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है 11 मिनट का है। अगर हम चाहते हैं कि वीडियोज़ के शुरुआत में ही ऐड चले तो सिंपल विदाउट कुछ छेड़छाड़ किए आपको इस एड ब्रेक का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको डबल टैप कर देना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डबल टैप किया तो यहाँ टाइमिंग के साथ आ गया कि स्टार्ट में ही आपको 00 टाइम पर एक ऐड चलेगा, एक प्रचार चलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और इस वाली ऑप्शन को यहाँ जो लाइनिंग है एक तरह उसे खींच के लाना है और सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग भी आपको दिखाएगा 1:53 है, यानी कि 1:00 पर चलेगा और 1:53 पर चलेगा। सिंपल आपको फिर से इस एड ब्रेक पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप 1:53 के बाद अगर चाहें तो 2-3 मिनट अपना इच्छानुसार, फिलहाल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जितना टाइम सेलेक्ट हो जाए, आप यहाँ से मैन्युअली देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर से ऐड ब्रेक पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं हम इसमें 3 ऐड लगा दिए। अगर आप चाहते हैं फिर से ऐड और लगाना, यानी कि अगर आप जितना ऐड चाहते हैं, 11 मिनट का वीडियो है तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि आप 8 से 10 ही लगाएँ, क्योंकि व्यूअर परेशान हो जाते हैं ज़्यादा ऐड के कारण और आपकी वीडियोज़ को देखना पसंद नहीं करते। इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड सेट कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पर क्लिक किया
और फिर से इस ऐड ब्रेक पर क्लिक किया और फिर से हम इसे यहाँ पर खींच देते हैं और फिर से यहाँ पर ऐड ब्रेक पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 5-6 ऐड लगभग लगा चुके हैं। फिर से आपको यहाँ पर ऐड ब्रेक पर क्लिक करना है तो आपका ऐड ब्रेक हो। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिखाया जाता है कि कब कब किस टाइम पर आपका ऐड लग रहा है। उसके बाद फिर से आपको सबसे लास्ट में जानी है, कर्सर को ले जाना है और वहाँ पर आपको लास्ट में एंडिंग में लगा देना है ताकि आपका वीडियो जो एंड हो वहाँ पर ऐड लग जाए। उसके बाद ये ऐड लगने के बाद सिंपल आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल दिखेगा, फिलहाल एक कॉर्नर में दिख रहा है, तो सिंपल आप सेव पर क्लिक करें और सेव पर क्लिक करते ही आपका जो वीडियोज है उसमें मैन्युअली आपके मिड रोल ऐड सेट हो जाएंगे। और इस तरह से इस वीडियो को अगर कोई पर्सन देखता है तो उसमें आपने जितने भी ऐड लगाए होंगे लगभग वो सारे ऐड प्ले होंगे और जितना ही अधिक ऐड चलेगा उतना ही आपका इनकम अधिक होगा। तो कुछ यही सेटिंग्स थी, यही जानकारी थी जो कि हमने आपको बताया कि आप अपने YouTube के वीडियोज में मिड रोल ऐड की सेटिंग्स करके अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं। आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।